लगभग 1.5 महीना पहला हुशियारपुर विखे एक आश्रम च रहण वाले स्वामी पुष्पिंदर स्वरूप जी ते कुछ व्यक्तियों वालों लुटखोह की नीयत नाल हमला करके उन्होंने गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया सी। जिस तों बाद थाना सिटी पुलिस वालों उक्त घटना नूं लैके घटना नूं अंजाम देने वाले दोषियों नूं काबू करने लई कार्रवाई शुरू कर दी गई सी, परंतु पुलिस की कारगुजारी ते असंतुष्टि प्रगट करदिआं स्वामी पुष्पिंदर स्वरूप वालों अज पत्रकार मिलनी का आयोजन किया गया, जिस विच उन्होंने दोष लगाउंदिआं होइआं कहा कि पुलिस वालों उक्त मामले नूं लैके गंभीरता नहीं दिखाई जा रही, जिस कारण उन्होंने मन में बेहद ठेस पहुंची है। उन्होंने पुलिस प्रशासन को चेतावनी दिंदिआं कहा कि जेकर पुलिस वालों 15 दिनों के अंदर उन्होंने इंसाफ ना दवाया गया तो पूरे संत समाज नाल मिलके संघर्ष करने लई मजबूर होणगे। हुशियारपुर तो चेतन कश्यप की रिपोर्ट। पहले सप्ताह में तो पुलिस बहुत सरगर्म दिखी। घटना के बिल्कुल तीसरे दिन प्रातःकाल सुबह 7 बजे के आसपास SHO साहब मेरे पास आए। उन्होंने SSP साहब से मेरी वीडियो कॉल करवाई और उसमें उनका यही कहना था कि देखिए राजनीतिक लोग अपनी बातें कर रहे हैं, हम तो बिल्कुल आपके लिए समर्पित हैं और कोरोना के फैलाव में हमें पुलिस वालों को बड़ी ही स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं कि हमने पब्लिक बेनिफिट के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ही काम करना है, कोई अप्रिय घटना नहीं घटनी चाहिए, लोग महामारी या किसी प्रकार के भी प्रकोप से दुखित ना हो, किसी प्रकार की घटना ना घटे। तो ऐसे में राजनीतिक रंग देने से हमारी इन्वेस्टिगेशन फीकी पड़ती है, आप हमें सहयोग दें। तो मैंने ये विचार किया कि कोरोना की बात भी ठीक है, डॉक्टर और पुलिस सचमुच समाज के लिए काम कर रहे हैं जैसा हम रोज TV में देख रहे हैं, मैं तो न्यूज़ चैनल ही सुनता हूँ। दूसरी ओर यदि राजनीतिक स्वरूप इस घटना का हुआ भी तो अभी थोड़ा हम शांत रहें, क्योंकि कर्फ्यू के दिनों में अगर लोगों की भीड़ जमा होगी, कोई धरना देगा, कोई घेराव करेगा, कोई नारेबाजी करेगा तो अराजकता फैलेगी और बीमारी के फैलने की आशंका बहुत ज़्यादा है। तो मैं इन सब बातों को लेकर अपने आप को संयम में उतारते हुए मैंने उनको कोऑपरेट करने का वचन दिया और SHO साहब ने ये वीडियो कट कट करके मेरे से 3 बार बनवाई। एक बार तो स्वयं आ गए वीडियो में तो वो उनको ठीक नहीं लगी, एक बार उनकी आवाज़ आ गई तो उनको ठीक नहीं लगी, फिर तीसरी बार उन्होंने रूम में मेरे से वीडियो बनवाई, वो वीडियो वायरल की। क्या वीडियो यही थी कि आप कोई पॉलिटिकल रंग ना दे, ये घटना लूटपाट ही की है, क्योंकि डॉक्टर्स को और पुलिस को कोऑपरेट करना मैं धर्म समझता हूँ, इसलिए। और मेरे मन में ये भी था कि घटना कैसी भी हो आखिरकार दोषियों को तो पुलिस ही पकड़ेगी ना, तो पुलिस का क्यों ना सहयोग दिया जाए। मतलब कहीं ना कहीं ये हम बोल सकते हैं जबरदस्ती वीडियो आपसे बनाई गई, मेरी भावनाओं को एक्सप्लॉइट किया गया है, मैं यहाँ तक कहूँगा। जबरदस्ती मेरे पर कोई ऐसा अंकुश नहीं था, लेकिन अगर आप इमोशनली कभी भावना के स्तर पर गुमराह हो जाते हैं तो अब उसमें आप देख लीजिए। तो स्वामी जो आप पे हमला हुआ था, क्या आपको ये लगता है ये लूटपाट पे था या आपकी जान? देखिए नंदेड़ में भी लूटपाट ही सामने आई है, काठगढ़ में भी लूटपाट ही सामने आई है, तो क्या आप कोई समाज का व्यक्ति स्वीकार करता है कि केवल लूटपाट के अंदेशे से ही कत्ल कर दिए जाते हैं, संतों को मार दिया जाता है, संतों को आघातित कर दिया जाता है, संतों के आश्रम ही क्यों? लूटपाट है, सिर्फ लूटपाट है तो संतों के आश्रम ही निशाना क्यों बन रहे हैं? क्या कोई साजिश नहीं हो सकती? प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य इतना है कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। 40 दिन हो गए, पुलिस ने ढुलमुल नीति अपनाई, पहले कल्प्रिट को पकड़ने के बाद दूसरे कल्प्रिट को पकड़ करके अनऑफिशियली ट्रीट किया, उसकी गिरफ्तारी नहीं डाली और मुझे कह दिया कि वो इसमें नहीं लग रहा। अब आप विचार कीजिए इनको तीसरा व्यक्ति कैसे मिलेगा? पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति को पकड़ा गया था, बाद में छोड़ दिया गया, उसका क्या सारा? वो वरुण कुमार है। क्या है पूरी बात उसकी? वो व्यक्ति नीतीश कुमार का मित्र भी है, नीतीश कुमार ने ये माना कि नशे के लेन देन में उसके पास जाता आता है और वो व्यक्ति ही आश्रम के पास एक परिवार का दामाद भी है, बरसों से दामाद है। मैं तो किसी से ऐसी कोई वार्ता करता नहीं, अपना आना जाना अलग से है, परंतु उन लोगों ने जरूर यहाँ के आश्रम को
पहली नज़र से देख करके यहाँ की रैंकिंग की, क्योंकि यहाँ पर कोई भी बाह्य व्यक्ति किसी का सहारा लिए बिना रास्ते को जान नहीं सकता, पहुँच नहीं सकता। जो पुलिस वाले भी ड्यूटी पर आते हैं उनको भी 10-10 बार फ़ोन करके कहाँ से आएँ, कहाँ को मुड़ें, क्योंकि ये मेन ट्रैक से अलग है और वो व्यक्ति ही रैंकिंग देने वाला है। इस बात को लेकर के हमारी आशंका उस पर बैठती है, क्योंकि नीतीश कुमार ने उसका नाम लिया है, हमने तो उसका नाम नहीं चुना, हमने प्रारंभिक अपने बयान में किसी का नाम नहीं लिखवाया। पुलिस ने अगर उसको पकड़ा था तो उसको छोड़ा क्यों, और क्या पुलिस ने जब पकड़ा था उसको माना था? देखिए, छोड़ा क्यों थी ये तो पुलिस जानती है, लेकिन पुलिस कह रही कि ये वारदात में हमको लग नहीं रहा, जबकि पहला कल्प्रिट कह रहा है कि ये इसके सहयोग से ही हुआ है। हाँ, चाकू था उनके पास में, शार्प वेपन था उनके पास में, और वो पहले लड़का यहाँ पर मान भी रहा था कि मेरे पास में ऐसा था। और सुनने में आ रहा है आपकी सिक्योरिटी कम की जा रही है दिन ब दिन। जी, वो उसके पीछे आप क्या मंशा मानते हैं? मंशा में यही मानता हूँ कि सरकार साक्ष्यों को छुपाना भी चाहती है और मेरी उस सहयोग वृत्ति को बुजदिलता में भी नाप रही है, कमजोरी में भी नाप रही है। उनको ये नहीं पता, सरकार का मतलब सरकार नहीं, मैं कह रहा हूँ थाना, थाना यानी पुलिस, पुलिस इस प्रकार मेरी इस सहयोग वृत्ति को बुजदिली मानकर और ये मानकर कि शायद ये अब ठंडे पड़ जाएं, ठंडे बस्ते में केस चला जाए और हम अपने पुलिस को लेकर के निकल जाएं, तो ये तो चलेगा नहीं। जो लोग वरुण कुमार के चहेते हैं, उसको छुड़वाने वाले हैं, वो मेरे सज्जनों को, भोले भाले प्रेमियों को संदेश भेज रहे हैं कि आप स्वामी जी के पीछे लगकर हमसे क्यों बिगाड़ रहे हैं। अब इस प्रकार की जो संदेश संप्रेषणा है उसमें आप देखिए कि भावना क्या हो सकती। भावना तो स्पष्ट दिख रही कि प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप से एक धमकी ही दी जा रही है। जी जी बिल्कुल, पहले चाकुओं के वार हुए, मेरी रिटेलिएशन काफ़ी नहीं थी और जब मैं खून से लथपथ हो गया, दूसरा व्यक्ति आ गया, उसने मेरा नाक और मुंह दबा दिया तो मेरा सांस जाना बंद हो गया। उसके बाद मैंने जिद्दोजहद की, गुत्थम गुत्था हुआ तो एक बार मैं निकला, दूसरी बार उन्होंने फिर किया तो एक का हाथ मेरे मुंह में आया, मैंने दबाया, बदले में पहले वाले ने मेरे बाएं हाथ को दबाया तो मुझे छोड़ना पड़ा। उसके बाद उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति रिटेलिएट करता है तो मुझे दबाकर उन्होंने पूछा कि पैसे कहाँ हैं, जल्दी बताओ नहीं तो और चाकू मारेंगे। तो इस तरह से ये जो गला दबाने वाली बात, मुंह दबाने वाली बात, नाक दबाने वाली बात, और मुझे उस समय लग रहा था कि 15 से 20 सेकंड की जीवन लीला और रह गई है। अगर आपको इंसाफ ना मिला तो क्या अगला आपका क्या होगा? अगर 15 दिन तक मैं SSP साहब से प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं DGP साहब से प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं CM साहब से प्रार्थना कर रहा हूँ कि अगर मेरे केस की 15 दिन के बाद भी, 15 दिन तक भी ठीक पैरवी नहीं होती तो फिर मैं अपने संतों को साथ लेकर, उनकी मीटिंग जल्दी होने वाली है, और उनको साथ लेकर, हिंदू संगठनों को साथ लेकर चंडीगढ़ में जाऊंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि SSP साहब से लेकर के ऊपर का सारा प्रशासन थाने के द्वारा अंधेरे में रखा जा रहा है। उसका चलान अगर आप देखें तो उसमें उसकी एक्सेप्टेंस लिखी हुई है, उसकी स्वीकृति लिखी हुई है। उसने ये कहा है कि 25-26 हज़ार की चोरी हुई, यहाँ आकर के मुझे झूठ लगता है, यहाँ आकर के पुलिस की कारगुजारी पर शक पड़ता है। 1,000 रुपये की रिकवरी, 1,000 रुपया तो आज बच्चे की जेब में होता है। दूसरी ओर जब उस लड़के ने ये यहाँ आकर के माना कि मेरे हाथ में वेपन था, हमारे पास वेपन था, तो पुलिस ने वेपन की कोई रिकवरी नहीं दी। कहीं ना कहीं केस को कमज़ोर करने की बात तो है, मतलब नहीं, पहले आरोपी को पकड़ा, उसका 5 दिन रिमांड लिया, वो अब जेल में है। उसके कहने पर वरुण कुमरा को पकड़ा, लेकिन अनऑफिशियली बिना गिरफ्तारी किए उसको छोड़ दिया।